जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज के क्लास में हम लोग रीजनिंग के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से सुनने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, आज के जो क्लास क्वेश्चन है इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्तों SSC में CHSL, CGL, CPO, MTS, GD 10+2, स्टेनवे GA की तैयारी करें, या रेलवे में LLP, NTPC, RPF, ग्रुप DNC की तैयारी करें, या BE रेसिडेंट की तैयारी करें, या अग्निवीर में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी करें, बैंक में क्लर्क PO की तैयारी करें, ED, IV, FCA की तैयारी करें, या BPSC, UPSC, CSET की तैयारी करें एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब, अगर इनमें से आप किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों की आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आप लोग का जैस में नाल क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग का सबसे पहला प्रश्न कहता है क्या, तो सबसे पहला प्रश्न कहता है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है, ठीक है, जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो जिस प्रकार से पेट्रोल से गाड़ी संबंधित है, उसी प्रकार से बिजली से कौन संबंधित होगा, ठीक है। अब देखिए कि पेट्रोल और गाड़ी के बीच क्या संबंध है, ठीक है। तो पेट्रोल और जो गाड़ी है उसके बीच संबंध क्या है कि पेट्रोल की सहायता से गाड़ी चलती है, तो उसी प्रकार से बिजली की सहायता से क्या होती है, तो बिजली की सहायता से बल्ब जलती है। क्या जलती है? बल्ब जलती है, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न कहता है क्या कि यदि 3 को 20, 55, 14 लिखा जाता है तो इंटर के लिए कोड क्या होगा, ठीक है। अब कहता है कि TEEN है, इसका कोड कहता है क्या, देखिए कि 20, 55, 14 है। अब देखिए कि टी कितना पे होता है, 20 पे, देखिए 20 लिखा गया है। ई कितना पे देखिए होता है, 5 पे, देखिए 5 लिखा गया है। ई कितना होता है, 5 पे, 5 लिखा गया। देखिए एन कितना पे होता है, 14 पे, देखिए 14 लिखा गया। तो उसी प्रकार से हमको पूछा है कि इंटर, ठीक है, तो ENTER है, तो इंटर लिखिएगा। बताइए ई कितना पे होता है, 5 पे, तो 5 हो गया। एन कितना पे होता है, 14 पे, देखिए 14 हो गया। टी कितना पे होता है, 20 पे, तो 20 हो गया। ई कितना पे होता है, 5 पे, 5 हो गया। आर कितना पे होता है, 18 पे, 18 हो गया। अब ऑप्शन से छांटिएगा, देखिएगा कि यहाँ पे कितना है, 5, 14, यहाँ पे कितना है, 5, 15, 5, 15, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी खत्म। आइएगा ऑप्शन नंबर बी और डी, बच्चा 14 के बाद क्या है, 20, ठीक है, फिर 51 है और 8 है, यहाँ पे देखिए 61 है, तो डी भी, बी भी खत्म, तो बच्चा कौन, ऑप्शन नंबर डी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि युग्म चुने जिनकी संख्या दी गई युग्म की भांति आपस में संबंधित है, जिस प्रकार से 1961 संबंधित है, उसी प्रकार से चार ऑप्शन में कौन संबंधित होगा। अब देखिए कि 1961 के बीच संबंध क्या है, पहले इसको ढूंढिए, संबंध क्या है, देखिएगा यह जो 19 है और यह जो क्या है 361 है, तो यह 19 का स्क्वायर जो होती है वो कितना होता है, 361 होता है, अर्थात इस 19 का स्क्वायर करके लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ भी वही बात होगी, अर्थात जो पहली संख्या का स्क्वायर क्या है, दूसरी संख्या, यहाँ भी कोई ऐसा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही देखिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिएगा कि जो 13 का स्क्वायर होता है वह कितना होता है, 169 होता है, तो सेम बात यहाँ भी है, पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का स्क्वायर क्या है, दूसरी संख्या, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। बी देखिएगा कि 15 का स्क्वायर कितना, 225 होता है, यहाँ कितना है, 35 है। डी देखिए 12 का स्क्वायर कितना, 144, यहाँ कितना है, 54 है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 लिखे, यहाँ पर कितना, 27, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है क्या कि दिए गए विकल्पों में से वह जोड़ी चुने जो पहले दिए गए जोड़ी के शब्दों की भांति आपस में संबंधित है, जिस प्रकार से ए से ई, एफ एच जे से संबंधित है, उसी प्रकार से ओ क्यू एस किससे संबंधित होगा, ठीक है। अब देखिए कहते हैं कि ए से ई है, संबंधित है किससे, एफ एच जे से संबंधित है। सबसे पहले देखिएगा कि ए कितना पे होता है, 1, सी कितना, 3, और ई कितना होता है, 5, एफ कितना, 6, ठीक है, एच कितना, 8, और जे कितना होता है, 10 होता है। अब देखिए कि ए से कहाँ गए, एफ पे कितना देखिए, प्लस का 5, 3 से कहाँ गए, 8 पर कितना देखिए, प्लस का 5, के ई से गए, जे पर कितना देखिए, प्लस का 5, तो सेम यहाँ भी लगा लीजिए, तो आप ओ क्यू एस, ओ कितना होता है 15, क्यू कितना होता है 17, एस कितना होता है 19, ठीक है, सभी में प्लस का 5 कर दीजिए, सभी में प्लस का 5 कीजिए, सभी में प्लस का 5 कीजिए, तो 15, 5 कितना हो गया, 20 पे क्या होता है, टी, 17, 5 कितना हो गया, 22 पे क्या होता है, भी, और 19, 5 कितना, 24 पे क्या होता है, एक्स, तो टी भी एक्स होगा, टी भी एक्स, टी भी एक्स, टी भी एक्स, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, टी भी एक्स, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि एक निश्चित कोड भाषा में पीन, टीन, फिन का अर्थ होता है, ठीक है, डिलीशियस रेड फूड, टिप, टाई, डीप, सिंग का अर्थ होता है, ब्यूटीफुल येलो रोज, एंड
सिंग फैन फिन का अर्थ होता है रोज एंड फूड, तो उस भाषा में फूड के लिए निम्नलिखित में कौन सा कोड होगा। अब देखिए सबसे पहले फूड किस किस में है, देखिए एक फूड यहाँ पर भी है और यहाँ पर देखिए कि फूड है, तो यह जो पूरा कोड है किसका है तो पिन टीन और फिन का है। यह जो रोड एंड फूड जो कोड है किसका है, सिंग पैन फिन का कोड है। अब इन दोनों में सिर्फ फूड कॉमन है, बाकी कोई और कॉमन नहीं है, तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो इनमें देखिए एक ही कॉमन है फिन। क्या कॉमन है, फिन कॉमन है, इसका मतलब कि फिन हमारा क्या हो जाएगा, फूड का कोड हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है, कहता है कि केला लीची कीवी और काहू, या जो काहू ठीक है और लेटी से, देखिए ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों का तीनों क्या है फल है, बट ये जो है काहू या लेटी से क्या है कि एक प्रकार का घास है, ठीक है एक प्रकार का घास है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें, ठीक है कहता है यहाँ पे कौन सी संख्या है आपको यह ज्ञात करना है। अब देखिए 9 से कहाँ जा रहे हैं, 11 पे, 11 से कहाँ जा रहे हैं, 15 15 से कहाँ गए, 17 17 से कहाँ गए, 21 21 से कहाँ गए, 23, तो आगे हम लोग क्या ऐड करेंगे। अब देखिए 9 दो कितना हो गया प्लस 2 11, 11 चार कितना हो गया 15, 15 दो कितना हो गया 17, 17 चार कितना हो गया 21, 21 दो कितना हो गया 23, तो लॉजिक क्या हो गया प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस 4, 23 चार कितना हो गया 27 हो गया, अर्थात आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुने, कहता है जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे आने वाली संख्या चुने, ठीक है देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, यहाँ पे लॉजिक क्या है कि यहाँ पर सबसे पहली बात को आपको कि रो में लॉजिक है, रो में लॉजिक क्या है कि जो बड़ी संख्या है ठीक है इधर पहले वाले में और अंतिम वाले में, तो बड़ी कौन है 42, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा लो, तो 42 में से 38 घटाओ कितना बचेगा 4, इसमें क्या करो अपने मन से 11 गुना कर दो कितना हो गया 44, देख लो भाई बीच वाली संख्या 44 आ गई, ठीक है सेम बात यहाँ देखो बड़ी संख्या 28 छोटी कितना है 23, तो आप 28 में से 23 घटा लो भाई, तो घटा लो कितना बचेगा 5, अपने मन से गुना कर दो 11, तो 11 25 कितना हो गया 55, देखो बीच वाली संख्या कितनी आ गई आपकी 55 आ गई, ठीक है सेम काम यहाँ भी कर लो, तो 39 माइनस 37 कर लो, बड़ी संख्या 39 और छोटी संख्या कितनी है 37 है, घटा लो कितना बचेगा 2 और गुने का 11 करो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है क्या कि सुप्रिया अखिल की बहन है, सुप्रिया जो है अखिल की बहन है, ठीक है मान लेते हैं कि यह अखिल है, अखिल की जो बहन है वह कौन है सुप्रिया है, ठीक है तो माइनस से हो जाएगा। कहता है कि अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है, कहता है कि अखिल के पिता, ठीक है अखिल के कोई पिता है, अखिल के मान लीजिए यह कौन है फादर है, और इसकी जो क्या है मदर है या सुप्रिया कैसे समझते हैं, सुप्रिया कौन लगेंगे दादी लगेंगे, सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कहता है क्या कि यदि क्यू का अर्थ होता है प्लस, जे का अर्थ होता है गुना, टी का अर्थ होता है माइनस और के का अर्थ होता है भाग, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है अब देखिए कि 18 है, के का अर्थ क्या होता है भाग कितना हो गया 3 हो गया, क्यू का अर्थ क्या होता है प्लस कितना हो गया 7, जे का अर्थ क्या होता है गुना कितना हो गया 2, टू का अर्थ क्या होता है माइनस होता है, काजे का कितना हो जाएगा 6, तो 6 प्लस का 7 गुने का 2 माइनस 8, तो 6 प्लस 7 दोनों 14 और माइनस कितना हो गया 8, तो कितना हो जाएगा 6 8 14 में से घटाए 8 कितना बचेगा, तो 6 बचेगा 6 से कितना हो गया 12 हो गया, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है अगला प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इनके रिश्तों को सही तरह से दर्शाता है, कहता है कि चमड़ा पानी और जंतु, सिंपल सी बात है कि जितना भी चमड़ा होता है सी एच सभी क्या एक प्रकार का जंतु का है, इसका है जंतु का, लेकिन कोई भी पानी ना चमड़ा होता ना जंतु होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या कि नीचे दी गई आकृति तीन ठीक है अंतर्विभाजक वृत्तों से बनी है, कहता है कि जो फुटबॉल क्रिकेट और बास्केटबॉल को खेल
विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आकृति में प्रत्येक क्षेत्र का एक छोटा सा अक्षर से दर्शाया गया है। ठीक है, कहता है कि कौन सा क्षेत्र उन लोगों को समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल खेलते हैं पर क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं खेलते। क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं तो जितना भी क्रिकेट और बास्केटबॉल के अंदर है उसको छाड़ दो भाई, उसको क्या करो देखो छाड़ दो। तो आपके पास इधर सिर्फ यहाँ छाड़ दो, ये सब नहीं खेलते, सब छट गया, ये पूरा पूरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो आपके पास बचा क्या, ए बचा है ना, तो क्षेत्र ए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स है, सभी जो लैपटॉप है ये सभी लैपटॉप क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, LPET इलेक्ट्रॉनिक्स है। देखिए सभी इलेक्ट्रॉनिक्स विकिरण उत्सर्जित करता है, सभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है यह क्या कहता है कि विकिरण उत्सर्जित करता है। ठीक है, विकिरण उत्सर्जित करता है, कहता है कि सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करता है, क्या ये सभी लैपटॉप जो है विकिरण उत्सर्जित करता है, तो हाँ तो करता है, तो करता ही है, सही बात है। कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक के कारण होते हैं, कुछ विकिरण कारण, ये भी बात सही है, होते हैं, तो दोनों सही है। अर्थात आपका कौन सा हो जाएगा, सभी निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि निम्न चित्र में कितने त्रिभुज है, इसको आपको काउंट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें देखिए ऐसे काउंट करना है, जो आपको दिख रहा है पहले उसको काउंट करो। देखो तो सबसे पहले आपको काउंट कर बताते हैं ये वाला भाग, देखिए ये वाला भाग में टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो तीन है। ठीक है, टोटल कितने हैं, तीन है। इसमें आइएगा देखिएगा, तो पहले बात देखिएगा कि एक लाइन ये ले लीजिए, तो एक लाइन में यह इधर तीन हो गया। ठीक है, एक दो तीन चार, एक लाइन में चार ये हो गया। ठीक है, और बड़ा वाला छः इधर से ये हो गया। ठीक है, छः तो ये हो गया, लेकिन एक बड़ा वाला तो ये भी है ना, छः एक सात और एक बड़ा वाला यह कितना हो गया, आठ। तो इधर से अभी आपको आ गया आठ। ठीक है, फिर देखिए इसमें अगर हम तीन की बात करें तो फिर इसमें कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा तीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और कोई त्रिभुज बन रहा है क्या जो आपसे छूट रहा हो, ऐसा कोई और त्रिभुज बन रहा है क्या, चलिए ऐसा अभी इधर नहीं बन रहा है। तो कितना हो गया, यह छः हो गया, तो आठ सौ भी कितना हो गया आपके पास, चौदह हो गए। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है कि तीन आपका यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, तीन आपका यहाँ पे ये हो गया, इससे पहले आप ये किसको काउंट कर लो ना, एक त्रिभुज ये हो गया और आपका एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, और आपका देखिएगा तो एक त्रिभुज आपका ये भी होता है, एक त्रिभुज आपका ये भी होता है और आपका एक त्रिभुज आपका ये भी होता है। ठीक है, तो देखिएगा एक त्रिभुज यह हो गया और एक त्रिभुज यह दो और एक त्रिभुज यह तीन और एक त्रिभुज यह कितना हो गया, चार। सो चार कितना हो गया आपके पास, प्लस चार और कलेज पर कितना हो गया, अट्ठारह हो गया आपके पास। ठीक है, और एक आपका एक ये और इसमें तीन हो गया, तीन और एक यह वाला कितना हो गया, चार हो गया ना, तो अट्ठारह और चार पहले कर लीजिए तो कितना हो गया आपके पास, बाईस हो गया, बाईस हो गया आपके पास। देखिए कि तीन त्रिभुज इसमें आ गए। ठीक है, और एक ही कितना हो गया, चार। तो बाईस में अगर आप चार ऐड करते थे कितना हो गया, टोटल छब्बीस हो गया, छब्बीस हो गया। अभी इधर आपका छब्बीस हो गया। ठीक है, छब्बीस अगर हो गया है तो अब देख लो एक त्रिभुज आपके पास ये वाला बन जाता है ना, छब्बीस और एक ये। ठीक है, एक ये पूरा बन जाता है, तो छब्बीस से प्लस का एक कीजिएगा कितना हो गया आपके पास, सत्ताईस हो गया। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सही प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तब तक ले जय हिंद जय भारत।